जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष। जम्मू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ नितीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, हिंदू धर्म की बात आती है तो हमारे साथ में इस समय बोलने वाले बहुत सारे तरीके के लोग मिलते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एक जन्म मिला है, इसे अच्छे से जियो, और चाहे उधार लेकर के भी घी पियो, लेकिन जियो अच्छे तरीके से, क्या पता है कल हो ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि ये तो एक जन्म है, लेकिन वो आता है ना बात कि ये व्यक्ति चला गया, अगर चला गया है तो वापस भी आएगा, तो वापस आएगा तो वापस कैसे आएगा, कपड़े बदल कर आएगा, क्योंकि अब गया है तो दूसरी जगह से कपड़े बदल कर आएगा, ये शरीर भी कपड़ों की तरह है, ऐसा गीता जी में बताया गया है। और केवल हमने नहीं बल्कि विदेशियों ने भी ये स्वीकार किया है, जिसका उद्धरण वीर सावरकर के साथ में आता है, जब उन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। इसका मतलब ईसाइयत में, इस्लाम में जहां पर ये विचार स्वीकार नहीं किया जाता, वहां पर भी ये विचार स्वीकार किया जा रहा है कि पुनर्जन्म होता है, या वो ये मान रहे हैं कि आप मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं। अब बात ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास नहीं करता तो गीता जी सुनने की उसकी पात्रता पर क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर फर्क पड़ता है तो क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसकी विचारधारा स्वतंत्र हो सकती है। तो क्या गीता जी आपकी विचारधारा पर बंधन डालती है कि अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप मुझे नहीं सुनेंगे या नहीं पढ़ेंगे या नहीं देखेंगे, आप पात्र नहीं है? और अगर बंधन डालती है तो वो बंधन हमारे लिए हितकारी है या नहीं हितकारी है, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी है या नहीं हितकारी है? हर किसी चीज के लिए हम जाकिर नाइक या इस तरीके के लोगों को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते। वो जिम्मेदार है, लेकिन उनमें से हम कितने जिम्मेदार हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आइए आज गीता जी पर हमारी इस व्याख्यान वाला कहें, चर्चा कहें, विमर्श कहें, जो भी आप कहना चाहें, उसका ये 7वां भाग, और उसकी हेडिंग यही है कि जिसकी पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं वो गीता जी पढ़ने सुनने का अधिकारी भी नहीं। आप सभी से निवेदन, ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपके लिए संभावना बनती है तो यथासंभव, यथे इच्छा, यथाशक्ति रत्न पुष्पम के साथ हमारा सहयोग जरूर करते रहें। आइए स्वागत करता हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के लिए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, गुरु जी आपका अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार निधेश जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, हमने आज का विषय रखा है जिसकी पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है उसे गीता जी पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं। इस शब्द को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हर भाषा में शब्दों की एक अर्थ परंपरा होती है और उसी में उसका अर्थ होता है। तो ये जब हमारे यहाँ अधिकार कहा जाता है तो उसको, जिसे अंग्रेजी में राइट कहा जाता है, उसका अनुवाद कर दिया है लोगों ने, लेकिन यहाँ अधिकार से अर्थ दूसरा है। जो भारतीय शास्त्रीय पदावली है उसमें अधिकार का अर्थ होता है जिसे अंग्रेजी में एलिजिबिलिटी कहते हैं, पात्रता कहते हैं, उसी को अधिकार कहते हैं। जैसे कि इस विषय में अगर आपका अधिकार नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप में उसकी सामर्थ्य नहीं है और इसलिए आप उसमें आगे जा नहीं पाएंगे। जैसे जिसको तैरना नहीं आता उसको गहरे पानी में घुसने का अधिकार नहीं है, ये कहेंगे। तो अधिकार नहीं है तो कोई वहां थानेदार या पुलिस वाला या रक्षक दल नहीं खड़ा है। आप सलाह है, ये उपदेश है, संदेश है कि अगर आप में यही योग्यता नहीं है, अगर आपकी विज्ञान में रुचि नहीं है, आपकी संगीत या व्यायाम में रुचि है और विज्ञान में कोई रुचि नहीं है, तो कहेंगे विज्ञान में उच्चतर अध्ययन का आपका अधिकार नहीं है। तो हमारे यहाँ जब अधिकार कहा जाता है तो वो एक तरह से उपदेश मूलक है कि भाई आपका इसमें अधिकार नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप में इसकी योग्यता नहीं है, तो क्यों अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। बाकी तो ये लोकतंत्र है, छपी हुई पुस्तकें हैं,
और परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और जयदयाल गोयनका जी की कृपा से, गीता प्रेस गोरखपुर की कृपा से, अत्यंत अल्प दाम में, बहुत ही कम दाम में, अच्छे से सुलभ है गीता जी और हमारे बहुत सारे शास्त्र, रामचरितमानस भी, पुराण भी, उपनिषद भी, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लोकतंत्र है, आप जाइए दुकान से खरीद लाइए और पढ़ लीजिए। तो जब कोई विद्वान ये कहता है, कोई पंडित ये कहता है, कोई व्यासपीठ से ये कहता है कि आपका अधिकार नहीं है, तो वो परामर्श है, आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए परामर्श है। और जो लोग श्रद्धालु हैं उनको वो एक तरह से निर्देश भी है। निर्देश ये है कि अगर आप जिस व्यक्ति में इसकी पात्रता ही नहीं है, उससे कभी भी इस विषय पर चर्चा न करें। जैसा कि गीता में भी पहले ही दिन हमने वो 18वें अध्याय के श्लोक बताए थे, जो भगवान ने अंत में कहा है, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योग्य सेवयति। ये अतपस्वी के लिए नहीं है, अभक्त के लिए नहीं है, जो मुझ में श्रद्धा न रखे उसके लिए भी नहीं है, है ना? ये उन्होंने स्वयं कहा है। तो ये जो ईसाइयत की परंपरा है उसमें जब कहा जाएगा कि यू हैव नो राइट, तो उसका बिल्कुल अलग अर्थ होगा। वहां चूंकि वो कानून दंड भय रहता है कि आपको दंड दिया जाएगा अगर आप ये करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो पढ़ें, लेकिन अगर आप सचमुच उसका मर्म जानना चाहते हैं तो आपको पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है तो इस विषय को छोड़ दीजिए। बहुत सारे विषय हैं, जैसे भगवती पार्वती ने सप्तर्षियों से कहा था ना कि तो कौतुकियन आलस नहीं। अगर आपको कौतुक है, आप कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी पुराण पढ़ते हैं, कभी गीता पढ़ते हैं, आपको कौतुक है, आपको खेल की आदत है, खेल की तरह पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहिए, उसका कोई फल नहीं निकलेगा। उससे आप, ये हो सकता है कि आए बाएं साएं बोलने लगे सुन के, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है तो आप रट लें और कहीं का कहीं बोलें, लेकिन जो गीता का मर्म है और गीता की परंपरा जो है, ज्ञान की जो परंपरा है, जो उन्होंने भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षयो विदुः, ये तो परंपरा प्राप्त ज्ञान है ना, निरंतर चल रहा है। तो उस परंपरा का जो ज्ञान है, उसका जो रहस्य है, वो आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये तो हुआ संबंधित व्यक्ति के लिए, और जो इनकी श्रद्धा है उनके लिए भी ये संदेश है कि ऐसे लोगों से अपने अध्यात्म ग्रंथों का वाद वाद नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, जिनकी पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं हो, कर्मफल में श्रद्धा नहीं हो, आत्मा में श्रद्धा नहीं हो, परमात्मा में श्रद्धा नहीं हो। यहाँ हम एक आपको एक एक ऐसे व्यक्ति का, जो पहले नास्तिक थे और कम्युनिज्म से प्रभावित थे, लेकिन बहुत ही सज्जन और सच्चे आदमी थे, उनका उदाहरण देंगे, जिनका कल के दिन जो आपातकाल लोग स्मरण कर रहे थे उसके संदर्भ में उनका विशेष महत्व है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट थे और वो देश की गरीबी दूर हो और दुनिया की गरीबी दूर हो इसके लिए बहुत ही परेशान रहते थे। भावना तो अच्छी रहती है लोगों में, बहुत से अच्छे लोग अच्छी भावना से बहुत ही विचित्र प्रकार के विचार अपना लेते हैं, तो जो केवल किताब पढ़ता है, इसीलिए उस विषय में भी यही है कि यदि आप मार्क्सवाद के वास्तविक अर्थों को नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि किस तरह ये छल, प्रपंच, हिंसा, हत्या और विनाश से सत्ता को कब्जा करने की चीज है और दूसरे लोगों को धोखे में रखने की चीज है, छल के लिए बहुत सी बातें उछालता है, आप यही नहीं जानते तो आप मार्क्सवाद के अधिकारी नहीं है। क्यों? आप जाएंगे तो किसी के गुलाम बन के रह जाएंगे। अक्सर लोग जाते हैं और पार्टी के नेता के गुलाम बन के रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति का मर्म ही नहीं पता। तो ये केवल गीता जी के लिए नहीं है, सभी विषयों में उसके कुछ पात्रता होती है। अगर आप किसी राजनीतिक मतवाद को जानना चाहते हैं तो पहले उसका इतिहास जानिए, उसके मुख्य नेताओं का चरित्र जानिए कि वो क्या क्या करके सत्ता में आए हैं, क्योंकि राजनीति सत्ता के लिए होती है। तो अगर वो हिंसा, हत्या, मित्रघात, वचन भंग, छल, विश्वासघात, ये सब करके सत्ता में आए हैं, तो पहले जान लीजिए कि ये इसका मतवाद है। ऊपर से वो आपके कंजम्पशन के लिए, आपके सुनने के लिए क्या कहता है, अगर आप उसके चक्कर में पड़ गए तो आप तो बहुत ही बुद्धि से दीनहीन हैं। बहुत से लोग समाजवादी, साम्यवादी, अमुकवादी, तमुकवादी बन जाते हैं और उनको न तो उस विचारधारा का इतिहास पता रहता, कैसे उन शब्दों के खेल से नेता राजनीति साधते हैं।
ये नहीं पता रहता है, तो वो केवल दास बनते हैं, सेवा करते हैं नेताओं की, और फिर बाद में पछताते हैं, उनमें से कई लोग कुंठित हो जाते हैं। तो ऐसे इसीलिए हर विचार, हर व्यवस्था, हर पुस्तक, हर शास्त्र का एक उसकी पात्रता होती है। तो जब कहा जाता है कि इसमें आपका अधिकार नहीं है, तो यही है कि अगर आप इसमें इतनी न्यूनतम श्रद्धा भी नहीं रखते, तो आप इसमें क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो लोकतंत्र के नाते आप पुस्तक खरीद लाए, पढ़िए, आपका शौक है, लेकिन आप उसका कुछ सिंह पूछ कुछ समझ नहीं पाएंगे। और जो लोग श्रद्धावान हैं, उनके उनको भी ये परामर्श है कि ऐसे लोगों से, हम देखते हैं वो कोई एक जाकिर नाइक नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो कुछ हिंदू युवकों को भी बैठा लेता है जिनको कुछ पता नहीं आगे पीछे का, और फिर उनसे कुछ भी प्रश्न पूछता है, ये मानते हो कि नहीं, जाति मानते हो, जाति गलत है कि नहीं, गीता में वही है कि नहीं जो कुरान में है, और कुरान में गीता से बेहतर है कि नहीं, ऐसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और मूर्ख लोग उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि ईसाइयों और मुसलमानों के तर्कों से बहस करते रहते हैं कि जीसस तो सूली पर चढ़ गए थे, तो हमारे शंकर जी भी तो विष पी लिए थे। तो ये तो सब मूर्खताएं हैं ना, क्योंकि किसी विषय का मर्म नहीं जानना, सत्य नहीं जानना। जो व्यक्ति अथवा जो पंथ अथवा जो मत पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं रखे, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखे, सर्वव्यापी परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखे कि कण कण में परमात्मा व्याप्त है, सर्वत्र ये सृष्टि परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, इसमें श्रद्धा नहीं रखे, उससे कभी भी अध्यात्म पर और धर्म के आधारभूत पक्षों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा करने से प्रज्ञापराध होता है, आपका अपना बहुत दोष होता है, आपका क्षय होता है, आपकी ऊर्जा का क्षय, आपके आत्मबल का क्षय, आपकी आध्यात्मिक शक्ति का क्षय, और लोक का भी उसमें अहित है। इसीलिए कभी भी ईसाइयों, मुसलमानों आदि जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनसे अध्यात्म के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप उनसे राजनीतिक विषय में चर्चा करें, आप उनसे उनकी शादी ब्याह बाल बच्चों का पूछें, उनसे ये कहें कि भाई आप दूसरों का घर बिना किसी दोष के भी जला देते हैं क्या, आपके मजहब में ये लिखा है, आपके मजहब में ये लिखा है क्या कि किसी ने आपका नुकसान नहीं किया है तो भी उसको उसका मंदिर तोड़ दो, या उसको छल से और लोभ से अपने मजहब में बुला लो, तो छल और लोभ ही आपके मजहब का सार है, मजहब का सार है, पापाचार ही आपके मजहब का सार है। इन सब प्रश्नों पे जाइए, जो लौकिक कर्म उनके हैं उन पर बात कीजिए, अध्यात्म पर कभी भी किसी मुसलमान से, ईसाई से अथवा नास्तिक से चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो समय का नाश है, प्रज्ञा का क्षय है, और ऊर्जा का नाश है। तो इसीलिए हमने कहा कि जिसको पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है, उसे गीता, उसका गीता पढ़ना और सुनना व्यर्थ है, उसका गीता पढ़ने और सुनने में कोई अधिकार नहीं। कैसे नहीं है, ये आज का विषय है जो हम उदाहरण के साथ दिखाएंगे। सर्वप्रथम तो गीता का जो प्रारंभ होता है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? अर्जुन की क्या शंका है मुख्य? अर्जुन की शंका ये है कि ये जो हमारे सामने सब हमारे ही कुटुंबी उपस्थित हैं, ये इस युद्ध में जब मारे जाएंगे तो क्या होगा? तो कहा कि यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभ से उपहत चेतना वाले, लोभोपहत चेतसः, ये यद्यपि न पश्यन्ति, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुम्, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर् जनार्दन, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवच्युत। फिर क्या होता है, जायते वर्ण संकरः, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, कुल का धर्म त्याग दिया जाता है या कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, जो कुल धर्म को त्यागने वाली संतानें पैदा हों उसे वर्ण संकर कहते हैं। पता नहीं मूर्खता से कहाँ ये चल गया है कि वो जाति, जाति का इससे कोई संबंध नहीं, महाभारत के सभी पात्रों ने अपनी जाति से हट के अन्य जातियों से भी संबंध बनाया है, विवाह किया है, तो क्या वो सब वर्ण संकर स्वयं थे? अगर वर्ण संकर होते तो फिर अर्जुन की ये शंका ही नहीं होती।
तो जो अपने जाति और गोत्र से हटकर विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अलग विषय है शास्त्र का, पर उसको यहाँ वर्ण संकर नहीं कहा। जाति जाति से कोई मतलब नहीं है। सगोत्र विवाह तो वैसे भी वर्जित है धर्मशास्त्रों में ही, लेकिन अपनी ही जाति के अन्य गोत्रों से विवाह करना चाहिए सामान्यतः ये कहा है, लेकिन अन्य जातियों से विवाह भी सदा से ही होते रहे हैं। उसके सब अनुलोम विवाह का प्रावधान है, प्रतिलोम भी विवाह होते हैं, उसके फिर दोष भी बताए हैं, प्रायश्चित भी बताए, वो एक अलग विषय है। यहाँ वर्ण संकर से आशय है कुल धर्म और कुल परंपरा को त्याग देने वाली संतान। अगर कुल में ऐसी संतानें पैदा होने लगें जो अपने ही कुल धर्म को अपनी कुल परंपरा को त्याग दें तो उसे कहते हैं वर्ण संकर संतान। और वर्ण संकर संतान से सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या है? अर्जुन कहते हैं लुप्त पिंडो दक क्रिया, कुल धर्म का क्षय हो जाता है, कुल का क्षय हो जाता है। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन, कुल क्षय से क्या दोष होता है इसकी ओर संकेत किया है। और फिर खुद कहा है कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। अगर कुल में ऐसी संतानें होने लगें जिनको अपने कुल धर्म में श्रद्धा नहीं है तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, भगवान ने बनाए हैं। किसी का कुल धर्म चोरी ही है, किसी का झूठ बोलना ही है, छल ही है, विश्वासघात भी है, समाज में उसके बारे में प्रसिद्ध हो जाता है, पुलिस भी जाती है तो जिसके बारे में पता रहता है ये चोरी करता है पहले उसी को पकड़ते हैं, कोई भी चोरी हुई तो मालूम है कि ये चोर है। अन्य भी हो सकता है लेकिन पहले मुख्य जिसका कुल धर्म ही है, स्वभाव स्वधर्म ही है, ऐसा स्वभाव हो गया है। तो कुल धर्म जो है वो शाश्वत है, सनातन है। किसी में राष्ट्र का गौरव बहुत है, सत्य निष्ठा अधिक है, धर्म निष्ठा अधिक है, किसी को राष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं है, शिष्णोदर परायण है, अपना ही सुख सुविधाएं जुटा लेगा, ये तरह तरह के कुल होते हैं। तो कुल सनातन कुल धर्म है और उसमें से जो श्रेष्ठ कुल हैं वो जिस समाज में प्रतिष्ठित रहते हैं, जीवित रहते हैं, सहज प्रवाहित रहते हैं, वही समाज उन्नत हो पाता है। तो इसलिए कहा गया कि कुल धर्मा सनातना, तो ये कुल धर्म नहीं नष्ट हो और पिंडोदक क्रिया नहीं नष्ट हो। तो पिंडोदक तो तभी है ना जब आप जन्म के बाद यात्रा मानते हैं। अगर इसी जन्म तक आप सीमित हैं तो फिर पिंडोदक का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। कर्मफल में आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं है। फिर तो इस जन्म में अपना जो भी साधन भोग मिले, जैसे भी मिले, झूठ बोल के, छल बोल के, विश्वासघात करके, वैसे करिए। तो जो मैं बता रहा था जयप्रकाश नारायण जी ने भी यही कहा, जब क्वांटम भौतिकी के तथ्य आए सामने, उनको पता चला कि नहीं, जो हमको न्यूटोनियन साइंस का मैकेनिक सिद्धांत पढ़ा दिया गया था कि हर प्रकृति की व्यवस्था यंत्र की तरह समझ लो और बस फिर उसके नियम लागू कर दो और समाज में भी वो नियम लागू कर दो, अभी की सारी पार्टियां न्यूटोनियन मॉडल पर ही खड़ी हैं, प्रकृति की यांत्रिक व्यवस्था पर। वो मानती हैं कि जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पदार्थों को रूपांतरित कर देता है कई बार कैटलिटिक एजेंट की सहायता से और अनुकूल दशाओं में, वैसे ही समाज में अगर शासन के बल के द्वारा बलपूर्वक नियंत्रित दशाएं पैदा की जाएं और पार्टी के लोगों को और अपने समर्थक चाटुकार पत्रकारों लेखकों मीडिया कर्मियों और एकेडमिक्स के लोगों को लगा दिया जाए तो आप समाज को जिधर चाहो ले जाओगे। उसी से ये शब्द चला समाज को बदल डालो, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज का रूपांतरण, सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब शब्द न्यूटनियन मॉडल से आए हैं जो संसार भर के वैज्ञानिक अब असत्य और हास्यास्पद मानते हैं और उसका विरोध करते हैं। पार्टियां उसी मॉडल पे बनी है कि पार्टी चाहेगी तो समाज को बदल देगी, जो कि अब सारे विश्व में निरादृत तिरस्कृत विचार है। लेकिन विचार आने से कुछ नहीं होता, पार्टियां चल रही हैं उसी ढांचे में ज्यादातर। कि हम तो खासतौर से जो कम्युनिज्म से प्रेरित है और भारत के सभी दल तत्व के रूप में विचार के आधार पर कम्युनिज्म से प्रेरित हैं, वो ये मानते हैं कि हम समाज को बदल डालेंगे, यानी स्वयं को समाज से परे मानते हैं। हम तो कोई अलग चीज है, हम वैज्ञानिक हैं और ये समाज जो है वो मासेज है, कच्चा माल है, राई का ढेर है, पदार्थों का संग्रह है, हम जैसे चाहेंगे इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आदि आदि। तो
यही जयप्रकाश नारायण भी मानते थे। फिर जब क्वांटम भौतिकी के तथ्य आए, जब पता चला कि जो पदार्थ के सूक्ष्म कण हैं उनमें भी चेतना है, कण अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि जो है उनमें भी चेतना है, जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल वेव भी हैं, कण जो है वो कण तरंग तरंग कणिकाएं भी हैं, और उनका अपना एक नियम है। जब लॉ ऑफ एंट्रोपी आया, उष्मा गतिकी के सिद्धांत आए, उष्मा गतिकी का दूसरा नियम आया, बहुत सारी चीजें आई। तो जो कम्युनिज्म का और सर्व नियंत्रणकारी राज्य व्यवस्था का विचार था उसका खोखलापन प्रकट हो गया। विचारों के स्तर पर खोखलापन वैज्ञानिकों के द्वारा पहले जाना गया है, और सोवियत संघ का साम्यवादी ताना बाना उसके बाद ढहा है। विज्ञान में खोज हो गई तो लोगों को उत्साह आया, अरे ये तो समझते थे कि हम, बहुत से सोवियत संघ में लोग डर गए थे, कभी भी शासन बदल ही नहीं सकता, शासन जो चाहे कर ले। भारत में भी उसी पैटर्न का शासन है, जो कि समाज के जीवन को पूर्णतः नियंत्रित करके समाज को बदल डालने की इच्छा रखता है, जो एक पापपूर्ण इच्छा है, पापपूर्ण प्रयोजन है, तो वो चल रहा है। तो जयप्रकाश नारायण ने फिर घोषणा की अपने अनुभूति के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर और क्वांटम भौतिकी के तथ्यों के आधार पर, कि अगर कोई व्यक्ति, अब मेरे सामने स्पष्ट हो गया है, जयप्रकाश नारायण का 1956 का वक्तव्य है, कि अब मेरे सामने यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में, आत्मा में, पुनर्जन्म में और कर्म फल में श्रद्धा नहीं रखता तो वह कभी नैतिक नहीं हो सकता। और ये जयप्रकाश नारायण का वक्तव्य है 1956 का, कि आज से मैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो देवी है, जिनकी मैं पूजा करता था, इनको तिलांजलि देता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ और इनसे मुक्त होता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या समाजवाद और साम्यवाद जैसे सिद्धांतों से, यानी किसी भी ऐसे सिद्धांत से जो संपूर्ण समाज को अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा रखे, कल को वो आप हिंदुत्व के नाम पर ये विचार रख सकते हैं, राष्ट्रवाद के ये नाम के नाम पर ये विचार रख सकते हैं, तो ऐसे सभी विचार मूलतः अनैतिक होते हैं, अनीति पर आधारित होते हैं। दूसरों का नियंत्रण करके, दूसरों के भीतर स्थित चिदंश को, परमात्मा को श्रद्धा नहीं रखना, उनका उनको अपने जैसा ही नहीं मानना, बल्कि चूंकि हमने एक संगठन बना लिया है, पावर में एक पावर का ढांचा बना लिया है, तो हम संपूर्ण समाज को जैसे चाहें जिधर चाहें ले जाएंगे, इस बात में श्रद्धा तभी हो सकती है जब आप गीता पर श्रद्धा न रखें, पुनर्जन्म पर श्रद्धा न रखें और कर्मफल पर श्रद्धा नहीं रखते हैं और आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अब मुझे बहुत स्पष्ट हो गया है कि जो आत्मा में, परमात्मा में, पुनर्जन्म में और कर्मफल में श्रद्धा नहीं रखता, वो व्यक्ति कभी भी नैतिक नहीं हो सकता और उसके कर्म नैतिक नहीं हो सकते, वो नैतिकता का दिखावा कर सकता है। क्योंकि अगर यही जीवन है, एक अकेला जीवन ही सब कुछ है और सुख ही महत्वपूर्ण है ही जीवन में, धार्मिक व्यक्ति भी सुख चाहते हैं, पर सुख का, आनंद का उसका अर्थ अलग होता है, तो अगर ये इंद्रिय सुख ही सर्वस्व हैं, तो आप नीति की बात दूसरों को धोखा देने के लिए या उनको कुछ देर उनका आत्मीयता और विश्वास जीतने के लिए करेंगे, आपका अपना नीति का कोई आधार नहीं है ना, क्योंकि नीति का आधार ही है आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल में श्रद्धा। इसीलिए जो मजहब या रिलीजन ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं रखते, उनके सारे ही काम सत्ता प्राप्ति के होते हैं, दूसरे की संपत्ति छीनना, दूसरे के धन पर कब्जा करना, दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना और उसको अपने ढंग से चलाना, क्योंकि उनको पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है, कर्मफल में श्रद्धा नहीं है। हम दूसरे का घर जला रहे हैं, दूसरे का मंदिर तोड़ रहे हैं, ये महापाप है, कल को हम इसके कारण निन्नतर योनियों में जाएंगे, हम दूसरों को यीशु का नाम लेकर ठग रहे हैं, उनकी मूर्तियां जो है वो लोहे की और धातुओं की और अपनी ईसा की कोई लकड़ी का क्रॉस बना के और पानी में छोड़ रहे हैं भोले भाले लोगों को, और कह रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारा देवता सच्चा हुआ तो वो पानी में नहीं डूबेगा, तैरेगा, और वो जो धातु की मूर्ति है वो पानी में डाली तो अपने आप नीचे जाएगी, और यहाँ लकड़ी का क्रॉस और लकड़ी का जीसस या कुछ भी बना हुआ है तो वो तैरता रहेगा। इस तरह से जो छल कर रहे हैं वो तो महापाप कर रहे हैं ना, वो तो पापी हैं, दुष्ट हैं, आतताई हैं, दंडनीय हैं, अपराधी हैं, लेकिन उसी को रिलीजन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पुनर्जन्म में, कर्मफल में, आत्मा में और परमात्मा में श्रद्धा नहीं है। तो जिसकी पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है वो अध्यात्म से रहित है,
वो स्पिरिचुअलिटी या कोई भी शब्द बोलता रहता है, मॉरलिटी बोलता रहता है, वो सब पाखंड है, वो नैतिक हो ही नहीं सकता। वही व्यक्ति नैतिक हो सकता है जिसकी पुनर्जन्म और कर्म फल में अटल श्रद्धा भीतर से है। ऊपर से क्या बोलता है ये तो कई बार यूं ही लोग बोल देते हैं। तो अर्जुन की जो चिंता है वो क्या है, लुप्त पिंडो दक क्रिया कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत संकरो नरकाय वो कुलघ्नानां कुलस्य चा पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक आदि क्रियाएं और कुल धर्म लुप्त हो जाएंगे, यानी पुनर्जन्म में अटल श्रद्धा है, यही से तो प्रारंभ होता है अर्जुन का। और भगवान कृष्ण जब पहला उत्तर जो देते हैं, इसीलिए कई लोग श्रीमद् भगवद गीता को द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से ही प्रारंभ मानते हैं, उसके पहले की भूमिका मानते हैं। तो पहला ही श्लोक क्या है, श्री भगवान वाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमुयते। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि अशोच्यान अनु अशोचस्त्वम, जो अशोच्य है शोचनीय नहीं है, तू उनकी सोच कर रहा है, तू जानता है कि पुनर्जन्म है, तेरी मुख्य चिंता ही कुल के इच्छा और पिंडोदक क्रिया की है, यानी पुनर्जन्म पर तेरी अटल श्रद्धा है, और बातें कह रहा है कि ये तो मर जाएंगे। तो ये उसका जो हास्यास्पद स्थिति हो गई है मोहवश, और अब सामने उन सब श्रद्धेय लोगों को देख कर, अरे ये तो चले जाएंगे, तो उनको देखकर जो स्वधर्म के प्रति ही संशय या हिचक हो गई है, झिझक हो गई है, गांडी वंशस्ते हस्ता त्वचैव परिदह्यते वे पथुश्च शरीरे में लोम हर्षस्त जायते न च शक्नोम व्यवस्था तुम भ्रमती व चमे मना। ये जो हो गया, मेरा मन तो घूम रहा है, धनुष बाण छूटा जा रहा है, और अपनी अवस्था का वर्णन भी ठीक से नहीं कर सकता, ये हो गया है, ये तो ये देख के कह रहे ये सब मर जाएंगे, लेकिन चिंता है लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, यानी पुनर्जन्म पर अटल श्रद्धा है और ज्ञान है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि पहले तो 1947 तक भारत के हर राजा को धर्मशास्त्रों का ज्ञान अनिवार्य होता था। इसलिए आप देखिए फिल्म में भी कंगना रनौत ने मणिकर्णिका फिल्म अच्छे से प्रामाणिक ढंग से बनाई है, तो उसमें कैसी कितना विशाल पुस्तकालय दिखता है, झांसी की रानी का भी, झांसी का भी, और ग्वालियर का भी, और वहां शास्त्र भी रखे हैं। तो अगर शास्त्र पर शास्त्र का अध्ययन नहीं है, तो वो भारत में शासन के लायक ही नहीं है, शासक होने लायक नहीं है। यही अटल श्रद्धा थी अनादिकाल से, हजारों लाखों वर्षों से 1947 तक भारत के हर हिंदू शासक के लिए, जो वही भारतीय है जो हिंदू है, तो उस हर भारतीय शासक के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य होता था। इसलिए उनको पुनर्जन्म का, आत्मा का, परमात्मा का, सत्य का, यज्ञ का, दान का, प्रजा को अपनी संतान मानने का, इष्ट का, पूर्व कर्म का, सबका ज्ञान होता था। तो अर्जुन को ज्ञान है पुनर्जन्म का, लेकिन वो चिंता करता है। तो वो कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। भाई जब तू चिंता ही तेरी ये है कि पिंडोदक क्या होगा, तो ये जले जाएंगे, ये तुम्हें कहीं तो पता ही है, और बातें ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम बड़े भारी विद्वान हो और बड़ी चिंता है तुम्हारी गंभीरता से, लेकिन ये भूल रहे हो कि जो आए हैं वो जाएंगे और फिर आएंगे, तो इसलिए ये तो चले ही जाएंगे, फिर उसी में क्या है आगे समझाया है ना, जो कि अभी नीतीश जी ने अपने प्रारंभ में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय अन्यानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
जीर्ण कपड़ों को जैसा छोड़कर नवा निग्रहण आती न रोपराणी, मनुष्य नए कपड़े पहनता है, तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी, उसी प्रकार जीर्ण शरीर को विहाय त्याग कर छोड़कर अन्य संयाति नवा निदेही, नई देह में जाता है जीव। तो ये एक निरंतर क्रम है, इसीलिए समझाते हैं कि भाई तू क्या बात कर रहा है, न तो ऐसा है कि ये नहीं थे, न ऐसा है कि ये नहीं होंगे, न ऐसा है कि तू नहीं था बस अभी इसी जन्म में हुआ है, और न ऐसा है कि भविष्य में तू नहीं होगा। तो पुनर्जन्म में सहज ज्ञान है पुनर्जन्म का, और सहज श्रद्धा है, ऋषियों ने देखा है, योगियों ने देखा है, परंपरा से सबको ज्ञान प्राप्त है कि पुनर्जन्म होता है। जिसकी श्रद्धा है उसी के काम की गीता है, क्योंकि बार बार वो प्रसंग आएगा। आगे भी भगवान क्या कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुनो तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुनो, मेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं और तेरे भी। जब अर्जुन को शंका होती है कि आपने कहा कि हमने विवस्वान को सूर्य को शुरू में उपदेश दिया था, तो वो कहता है अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवश्वतः कथमेतद् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। विवस्वान के तो आप बाद में आए हैं ना सूर्य के, तो हम कैसे जाने कि आपने सूर्य को, ये शंका है उसकी, जिज्ञासा है वस्तुतः, तो कि आपने विवस्वान को उपदेश दिया था। तब श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, बहुत से जन्म व्यतीत हो गए हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं तो उन सबको जानता हूं, तू नहीं जानता, बस इसी बात है। अब जो गीता का और सभी महत्वपूर्ण इस तरह के जो हमारे अध्यात्म ग्रंथ हैं, और जो भारत की परंपरा में श्रद्धा का बीज है, वो श्लोक भी इसके तुरंत बाद अध्याय चार में ही पांचवा श्लोक है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, और फिर सातवां और आठवां वो श्लोक है जिसकी सर्वत्र चर्चा होती है। तो उसके पहले ये है, बहुत से जन्म हो चुके हैं ये कह के फिर भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में क्या कहा, जब जब होइ धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन उर पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सृष्टि चक्र है, इसमें चलता रहता है, तभी धर्म की ग्लानि होती है। जब बहुत अधिक धर्म की ग्लानि हो जाती है और अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है, तब भगवान जन्म लेते हैं और बारंबार जन्म लेते हैं। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन उर पीरा। अगली प्रतिज्ञा क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है, क्यों जन्म लेते हैं, जो साधु हैं, सज्जन हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, उनका रक्षण करना, और जो दुष्ट हैं, आतताई हैं, अधर्मी हैं, अधर्म की अभिवृद्धि करने वाले हैं, उनका नाश करना, विनाशाय च दुष्कृताम। अगर भगवान का ये प्रयोजन भूल गए तो आप व्यर्थ ही गीता पढ़ते हैं, व्यर्थ ही रामचरित मानस पढ़ते हैं, व्यर्थ ही भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, कि उस नाम में, वैसे व्यर्थ तो नहीं लेते, नाम कैसे भी लेंगे तो आगे पीछे ज्ञान हो ही जाएगा, लेकिन ये कहने का ढंग है कि वस्तुतः फिर आप तो मूल तत्व से ही दूर हैं अभी, क्योंकि भगवान के अवतरण का प्रयोजन ही ये है, दुष्टों का नाश, अधर्म का नाश। इसीलिए हमारे जो शासक दुष्टों का, आतताइयों का वध नहीं करे, राष्ट्र को कमजोर करने वाली, राष्ट्र को क्षीण करने वाली, राष्ट्र की हानि पहुंचाने वाली शक्तियों का नाश नहीं करे, उसे पापी कहा जाता है। इसीलिए राजनेता अगर शांति और अहिंसा भर का उपदेश दे तो उसे पापी कहते हैं,
अगर कोई राजनेता सदा केवल शांति, अहिंसा, गौतम बुद्ध, गांधी, पता नहीं गांधी ने भी यही किया था, गौतम बुद्ध ने तो नहीं किया था। एक तो गौतम बुद्ध और गांधी को एक सांस में रखने का अर्थ ही आपकी मूर्खता प्रमाणित करता है। क्यों? गौतम बुद्ध ने तो अपने समय के राजाओं को विधिवत उपदेश दिया कि ऐसे आक्रमण करो, ऐसे लड़ो, तब तुम विजयी होगे। गौतम बुद्ध तो युद्ध के समर्थक हैं, गौतम बुद्ध तो युद्ध को राजधर्म मानते हैं। तो गांधी और बुद्ध को एक साथ लेना, इसका मतलब ना आप गांधी को जानते, ना आप गौतम बुद्ध को, ना आपकी गौतम बुद्ध में श्रद्धा है, ना गांधी में श्रद्धा है। तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। और अहिंसा, शांति और अहिंसा, राजनेता जब शांति और अहिंसा की बात करे तो वो या तो धूर्त होता है या पापी होता है, वो अच्छा राजनेता नहीं होता। राजनेता को राजधर्म की बात करनी चाहिए, प्रजा के रक्षण की बात करनी चाहिए, ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं रक्षा करूंगा, मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, मैं आतताइयों का वध करूंगा, मैं आतताइयों का समूल नाश करूंगा, मैं राष्ट्र की विरोधी जो शक्तियां हैं, राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली शक्तियां हैं, उनका समूल नाश करूंगा। जो राजनेता ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते, उनकी कर्मफल में, पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है, किसी पुण्य के कारण वो शासन में आ गए हैं लेकिन स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो घोर नरक में जाएंगे, बहुत ही पाप के भागी होंगे। भले आप संचार माध्यमों से, शासन बल से कुछ भी प्रचार कर लें, अपनी महिमा का मंडन कर लें मीडिया से, अकेडमिया से, लेकिन अंत में आप नरक में जाएंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अहम वो रक्षते इत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः सनिश्चयेन हन्तव्यो श्वेव सोन्माद आतुरः। कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा, मैं समाज की रक्षा करूंगा, मैं लोक की रक्षा करूंगा, ऐसा कहकर जो व्यक्ति शासन में आता है, अगर वो तदनुकूल लोक की रक्षा नहीं करता, राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, समाज में धर्म की रक्षा नहीं करता और अधर्म का नाश नहीं करता, तो वो निश्चित पागल कुत्ते की तरह मार डालने के योग्य है। सनिश्चयेन हन्तव्यो श्वेव सोन्माद आतुरः, श्व उन्माद आतुर, पागल होकर आतुर, दौड़ता हुआ पागल, दौड़ता हुआ कुत्ता, दौड़ता हुआ पागल कुत्ता जिस तरह मार ही डाला जाता है, उसी तरह ऐसे शासक वध के योग्य है, ये कहा है भारत में। तो इसीलिए शासकों को केवल शांति अहिंसा की बात का अधिकार नहीं है, सदा ही राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, आतताइयों का वध, राष्ट्रद्रोही शक्तियों का संपूर्ण नाश, इसकी प्रतिज्ञा करके इसका पालन करना ही राजनेता का पहला धर्म है। ये शांति अहिंसा और बड़ी बड़ी ऊंची बातों का उपदेश देना, ये तो धूर्तता के लक्षण है अगर आप राजनीति में हैं। तो आपको पुनर्जन्म में और कर्मफल में विश्वास नहीं है, आप अपने कर्मफल का, आप अपने स्वधर्म का, राजधर्म का, कर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप नरक का रास्ता बना रहे हैं। और जो लोग ऐसे नेताओं में श्रद्धा रखते हैं वो भी नरक में ही जाएंगे, ऐसा शास्त्र बताता है। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ा ही असुर अथम अभिमानी तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा हनहि सदा सज्जन उर पीरा। तो पुनर्जन्म सत्य है और स्वयं भगवान बारंबार जन्म इसीलिए लेते हैं कि धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है, दुष्टों का नाश करना है। विनाशाय च दुष्कृताम, केवल एक एब्स्ट्रैक्ट, एक अमूर्त अधर्म नहीं कह दिया है कि अधर्म का नाश करना है और अपनी किसी भी पॉलिसी को, राज्य की नीतियों को कह दो, कार्यक्रम को कह दो कि अधर्म का नाश, ऐसे नहीं चलेगा, ये सब चल है। दुष्कृताम, दुष्ट करने, दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति का नाश करना, जो भारत के विरुद्ध वक्तव्य देता है, जो भारत की निंदा करता है, जो हिंदू धर्म की निंदा करता है, जो हिंदू देवी देवताओं की निंदा करता है, उसको मृत्युदंड देना, उसको नष्ट करना, ये शासन का धर्म है और ये नागरिकों का भी धर्म है। लेकिन शासन ने नागरिकों को इस शक्ति से वंचित कर रखा है तो ये शासन का दोष है। नागरिकों को, हिंदू नागरिकों को शस्त्र देना चाहिए और ऐसी छूट देनी चाहिए कि सामूहिक निर्णय के द्वारा वो अनैतिक लोगों का वध कर सकें, तो स्वधर्म का पालन कर सकें। स्वयं भगवान बारंबार जन्म लेते हैं, अर्जुन की शंका ही लुप्त पिंडोदक क्रिया अर्थात पुनर्जन्म में अविचल श्रद्धा है और हमारे तो पितरों का क्या होगा, पितरों को इससे हानि पहुंचेगी और कुल का भी क्षय हो जाएगा, यानी पुनर्जन्म तो है ही, तो इसलिए ऐसा कोई काम हम नहीं करें जिससे कि ये सब घटनाएं घटें, कुल का क्षय हो, पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हों,
ऐसी संतानें पैदा हों जो कुल धर्म को नहीं मानती, कुल परंपरा को नहीं मानती। 15 अगस्त 1947 के बाद तो भारत के शासन ने शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा, बाजार आदि के द्वारा भी ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी लड़का कुल धर्म को नहीं माने, कुल परंपरा को नहीं माने, कोई भी लड़की कुल धर्म को नहीं माने, कुल परंपरा को नहीं माने, मतलब ये तो साक्षात पापाचार की व्यवस्था है। क्योंकि मनुष्य अपने कुल धर्म को नहीं मानेगा, अपने राष्ट्र धर्म को नहीं मानेगा, तो किसी और, किसी पंथ के धर्म को मानेगा, पापियों के पंथ को, दुष्टों के पंथ को, जिनकी श्रद्धा नहीं है ईश्वर में, पुनर्जन्म में, कर्म फल में, जो एक ही जीवन मानते हैं, सिंगल लाइफ, वन लाइफ, जो कहते हैं कि बस मर गए तो उसके बाद तो दफना दिए जाएंगे और इसके बाद फिर कभी अंत में तुरही बजेगी तो एक ही बार निर्णय हो जाएगा, अनंत नरक या अनंत जन्नत। तो ये तो एक जीवन की कल्पना स्वयं में धर्म से बाहर की कल्पना है, वो हमारे लिए विवेचना का विषय नहीं है, विवेचना के योग्य नहीं है। और जो लोग भी केवल एक ही जीवन मानते हैं उनसे धर्म के विषय पर, अध्यात्म के विषय पर, हिंदू शास्त्रों के विषय पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है तो आप गीता व्यर्थ ही पढ़ रहे हैं या व्यर्थ ही सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो पग पग पर वही है ना, जैसा मैंने बताया अर्जुन का प्रश्न भी पुनर्जन्म से संबंधित है, भगवान कृष्ण का पहला ही उत्तर क्या है, पहले ही दूसरे अध्याय में ही उसके उत्तर में ही बता देते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुनर्जन्म की प्रक्रिया बताते हैं, है ना। और फिर आगे भी अध्याय 15 में भी उसका वर्णन है, कैसे जाते हैं। अध्याय 15 में अधिक गहराई से वर्णन है ना, कि शरीरम, अध्याय 15 श्लोक पढ़िए, 7, 8, 9, 10। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः कष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस देह में, इस जीव लोक में सनातन जीव भूत मेरा ही अंश है। इस लोक में मनुष्य भर में नहीं, सभी जीवों के भीतर जो चिदंश है, जो जीवात्मा है, वो ममैवांशो, मम एव अंशः, जीव लोके जीव भूतः सनातनः मम एव अंशः, जीव लोक में जीव बनकर जीवात्मा के रूप में मेरा ही सनातन अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, जीव लोके जीव भूतः मम एव सनातनः अंशो, मेरा ही सनातन अंश जीव लोक में जीवात्मा होकर है। और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, फिर कर्मेंद्रियों को भी आकर्षित करता है। ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करता है, आकांक्षा और संकल्प उपजाता है और कर्म की प्रेरणा देता है। फिर क्या होता है, शरीरम यदवा अपनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गहित्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही यह जो जीवात्मा है, ये जब शरीर का त्याग करता है तो मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो स्पष्ट कहा है ना, ग्रहीत्वैतानि संयाति, एतानि ग्रहीत्वा संयाति, किनको, मन को और पांचों इंद्रियों को सूक्ष्म रूप में, यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ, एतानि ग्रहित्वा संयाति, ग्रहित्व इतानी संयाति, एतानि, इन सबको ग्रहण करके संयाति जाता है। कैसे, वायु गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध को लेकर ले जाती है, फूल वहां फूल रहा है, सुगंध यहाँ तक आ रही है, तो वायु वो गंध को बहाकर हम तक लाई है। इसी तरह जीवात्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अपने साथ ले जाता है अगली देह में। तो पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है तो इन, ये सब चीजें आपके किस काम की हैं? आप तो इन सब का, आप तो ये कोई शब्दाडंबर लगेगा या बहस की चीज लगेगी, तो गीता तो बहस के लिए नहीं है। गीता तो तत्व का विवेचन करती है और ज्ञान देती है आपको।
श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा क्या करता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ अगली देह में जाता है, जो देह उसके कर्म फल के अनुसार पहले से तैयार है उसमें प्रवेश करता है गर्भकाल में, और कान को, आंखों को, स्पर्श इंद्रिय जो त्वचा है उसको, और जीभ को यानी स्वादेंद्रिय को, घ्रहण शक्ति को, और मन को आश्रय करके विषयों का सेवन करता है, जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, वो संस्कार रूप में अनादि वासना है। इसके बाद फिर पिछले जन्मों के कर्मों की वासना है, वासना रूप में, गंध के रूप में, जो गंध भर गई है, वासना वास कर गया है। कर्मों का जो संस्कार, वास कर्म नहीं जाते, कर्मों का संस्कार जाता है, और इसीलिए अपने यहाँ गांव देहात में भी संस्कार शब्द बहुत चल जाता है। किसी का कुछ गड़बड़ भी हो गया तो संतोष करते हैं, इसके संस्कार ऐसे थे, बेचारे को दुख हो गया, संस्कार संस्कार को लेकर जीवात्मा जाता है। वायुर्गंधानि वाशयात्, जैसे वायु गंध को बहा कर ले जाती है, इसी प्रकार जीवात्मा बहा कर ले जाता है संस्कारों के साथ मन को और सूक्ष्म शरीर को। तो पुनर्जन्म में श्रद्धा रखे बिना तो गीता का कोई अर्थ ही नहीं है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ान अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो अगर पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है तो फिर गीता आपके किस काम का, क्योंकि वहां तो सारी ही बातें पुनर्जन्म पर ही आधारित है, आत्मा पर ही आधारित है, परमात्मा पर ही आधारित है। कण कण में परमात्मा की सत्ता व्याप्त है, प्रत्येक जीव लोक में जो जीवात्मा है वो सनातन मम एव अंश, भगवान का ही अंश है, यह सत्य है, और इसलिए पुनर्जन्म में श्रद्धा के बिना तो गीता का कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि जिसकी पुनर्जन्म में ही श्रद्धा नहीं है उसको गीता पढ़ने और सुनने से क्या फायदा, क्योंकि गीता क्या कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम अचिरेणाधिगच्छति, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है उसे ही ज्ञान प्राप्त होगा, और वो भी तब जब वो संयतेन्द्रिय होकर उस श्रद्धा के अनुसार आचरण करेगा, तत्पर संयतेन्द्रिय, और ज्ञान प्राप्त करने पर जो शांति मिलती है वही वास्तविक शांति है, जिसे ब्रह्म संस्पर्श कहा है। ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म संस्पर्श ही परम सुख है, वो श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। जो उस विषय में कुछ नहीं जानता और अश्रद्धालु भी है वो संशयात्मा हो जाता है, पुनर्जन्म है कि नहीं है। तो गीता क्या कहती है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है वो तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि न अयम लोक अस्ति, उसके लिए यह लोक भी नहीं है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा और परलोक भी नहीं है, अगला जन्म भी बुरा होगा। तो नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसीलिए अगर आपकी पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है जिसकी भी, उसको दूसरे काम करना चाहिए, सुख साधन इकट्ठा करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत आदि जो कहा है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। ये कोई भारत की परंपरा तो नहीं है, कहीं एक श्लोक, कुछ कुछ मूढ़ लोग ऐसे भी होते हैं ये बताने के लिए कह दिया गया, चार्वाक की कोई परंपरा भारत में नहीं रही है, ये दिखाने के लिए कि ऐसे भी कार्टून, ऐसे भी नमूने होते हैं, ये एक श्लोक कह दिया है ना। तो सार ये है कि अगर हमारी इस बात पर श्रद्धा ही नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, तो न तो हम अर्जुन की चिंता समझ पाएंगे, न भगवान कृष्ण ने जो बताया है कि वहां जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर आदमी नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा जो है शरीर के जीर्ण होने पर, या अथवा यथाकाल उसका जो काल, जो आयु निर्धारित है इस देह की, वो संपन्न होते युवावस्था में भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कर्म फल के अनुसार आयु निर्धारित है, आयु संपन्न कर जीवात्मा अगले शरीर में जाता है, और
भगवान का प्रयोग, भगवान का भी बार बार जन्म होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान बारम बार जन्म लेते हैं, तो ये भी अगर आपकी गीता में श्रद्धा नहीं है, पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है, तो गीता के इन श्लोकों का क्या अर्थ लेंगे? ये तो फिर एक मनोरंजन का विषय हो गए, चर्चा का विषय हो गए। और जैसा मैंने बताया 15वें अध्याय में उसकी मीमांसा भी है, कैसे जाते हैं। उपनिषदों में और तरह तरह से मीमांसा है, कीड़े की भी मीमांसा है, जैसे कि फूल में चलने वाला कीड़ा एक फूल से दूसरे फूल में जब जाता है तो यहाँ पैर जमाए रहता है और अगले फूल को में अपना मुंह बढ़ाता है। तो ऐसे बताया है कि जीवात्मा जब ये शरीर त्यागने को होती है तो अगली अगला शरीर तैयार रहता है। तो तरह तरह से उपमाओं से ये समझाया गया है, लेकिन मूल बात यह है कि ये जो अनंत प्रवाह है, जो निरंतर चलने वाला प्रवाह है, उसको अगर आप नहीं जानते, पुनर्जन्म के प्रवाह को नहीं जानते, कर्मफल के प्रवाह को नहीं जानते, तो फिर दूसरी चीजें पढ़िए, अपने शरीर के सुख के साधन इकट्ठे करिए, धन आदि इकट्ठा करिए, लेकिन गीता को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। और इसीलिए जिनकी पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं है, ऐसे पंथों, ऐसे मजहब, ऐसे रिलीजन, उससे अध्यात्म विषय पर चर्चा करना पाप है। और इसीलिए जो सचमुच धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो धर्मनिष्ठ राजनेता है या मनुष्य है, उसका किसी भी ऐसी जगह जाना जो पुनर्जन्म को न मानने वाली आस्था के केंद्र हैं, तो वो तो उसका पाप है। किसी भी हिंदू को मस्जिद में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां इस्लाम सिखाया जाता है जो पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं रखता। चर्च में कभी नहीं जाना चाहिए, वो तो कहते हैं एक ही जीवन है। और कहीं भी किसी दरगाह है, मकबरा है, यहाँ जाने का, तो ये तो आप अपना पुण्य खोते हैं और अपना जन्म बिगाड़ते हैं। आजकल ये जो चला हुआ है, भाई आप उनकी शादी ब्याह में जाइए, उनके उत्सव में जाइए, उनसे घुलिए मिलिए, वो भी मनुष्य हैं, लेकिन उनके तथाकथित इबादत गाह में या प्रेयर हाउसेस में नहीं जाना चाहिए किसी भी हिंदू को, क्योंकि वहां तो वो इसी जन्म को एक ही जन्म मानते हैं। बस एक जन्म है, इसके बाद आप ताबूत में गाड़ दिए जाएंगे कब्र में, फिर अंतिम दिन तुरही बजेगी, तब कब्र से आप खड़े होंगे, और फिर उसके बाद निर्णय भी अनंत एक ही होगा, अनंत नरक, जहन्नुम या जन्नत, पैराडाइज या हेल, एटर्नल हेल। तो जहां इस तरह की बातें हो, एटर्नल हेल अथवा एटर्नल पैराडाइज, जन्नत और जहन्नुम की बातें होती हो कि एक ही बार सब निर्णय हो जाएगा, उससे तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। उससे सांसारिक बातें कीजिए, लेन देन की, तुम हमारे साथ ऐसा करते हो तो हम तुम हमारे मंदिर तोड़ते हो तो हम क्यों ना तुम्हारी मस्जिद तोड़ दें, तुम हमको मारते हो तो हम तुम्हें क्यों ना मारें, तुम हमारे घरों में आग लगाते हो तो हम क्यों ना तुम्हारे घरों में आग लगा दें। ऐसी बहसें तो हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर संबंधी, धर्म संबंधी कोई भी चर्चा किसी भी ऐसे पंथ के अनुयायी को, किसी भी ऐसे पंथ के अनुयायी से जो केवल एक ही जीवन को मानते हैं, जैसे इस्लाम है, जैसे ईसाईयत है, जैसे कम्युनिस्ट लोग, तो एक भी वो भी यही जीवन मानते हैं, नास्तिक लोग, और हो सकता है कि भारत के वर्तमान राजनीतिक दल में अधिकांश लोग यही मानते हो, एक ही जीवन, तो उनसे अध्यात्म पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनसे बाकी संसार के बहुत से विषय हैं चर्चा के लिए, अध्यात्म तो बड़ा पवित्र विषय है। और इसकी प्रथम शर्त है कि आप ये जानें कि आत्मा है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ये सृष्टि भगवान का ही मूर्त रूप है, चराचर जगत, चराचर ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त रूप है। सर्वत्र जो भगवान शंकराचार्य ने कहा है, यथै उम्रन्मय अहकुम्भो तद्वत् देहो विचिन्मयः, किं मूर्ख शून्यम् आत्मानं देहातीतं करोषि भोः। अरे मूर्ख किस शून्य को कहता है कि उससे ये देह बनी है, या देह से परे, देह तो ऐसे ही है, इन अणुओं का संघात है, और देह से परे कोई एक शून्य तत्व है। जैसे घड़ा मृन्मय है, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं है, उसी तरह ये संसार परमात्मा के बिना नहीं है। संपूर्ण संसार यथै उम्रन्मय अहकुम्भो, जैसे घड़ा मिट्टी का है, घड़े के शरीर, मिट्टी के सभी पात्र मिट्टी से बने हैं, उनकी मूल सत्ता मिट्टी है, तद्वत देहो चिन्मय, देह भी चिन्मय है, देह भी मुख्यतः चिन्मय सत्ता है, आप उसे नहीं जानते, आप में स्थूल बुद्धि है, वो अलग बात है, अन्यथा देह भी चिन्मय सत्ता है। यथै उम्रन्मय अहकुम्भो तद्वत देहो उपचिन्मय, कि मूर्ख शून्यम् आत्मानं देहातीतं करोषि भोः।
ये तो संपूर्ण, ये देह भी चिन्मय है, ये संसार भी चिन्मय है, उस चिन्मय तत्व को आप देख सकें, इसको जड़ रूप में नहीं देखें, इसी के लिए अध्यात्म के सभी शास्त्र हैं। और इसलिए आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्मांड में परमात्मा ही मूर्त रूप है, इस बात में ये जगत परमात्मा का ही मूर्त रूप है, इस तथ्य में अविचल श्रद्धा के साथ, पुनर्जन्म में अविचल श्रद्धा के उपरांत ही गीता का श्रवण करना चाहिए या पाठ पढ़ना चाहिए। और बाकी तो स्वतंत्र हैं सब लोग, कुछ भी करें, लेकिन उसमें आपका अधिकार नहीं है, अधिकार अर्थात आपकी उसमें गति नहीं है। कोई लड़का जो मान लीजिए उसने संगीत का अभ्यास किया है, लेकिन विज्ञान का काका नहीं जानता, और वो किसी विज्ञान की, रसायन शास्त्र की या भौतिकी की या जीव विज्ञान की या किसी भी, या परमाणु विज्ञान की कोई बहुत ऊंची पोथी खोल के बैठ जाता है, तो कहेंगे तुम्हारा इसमें अधिकार नहीं। वो खोले पलटे वो उसका कुछ नहीं समझेगा, दुनिया भर के उसमें गणितीय फार्मूले हैं उनको भी नहीं समझेगा, गणित में भी गति नहीं है, जो सिद्धांत बताए हैं उनको भी नहीं समझेगा। तो ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा इसमें अधिकार नहीं है, तुम क्यों समय नष्ट, क्यों अपनी शक्ति और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। तो गीता में आपके अधिकार नहीं है का अर्थ है आप उसके पात्र नहीं है, आप में उसकी आधारभूत पात्रता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है। कम से कम आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म तथा कर्म फल में अविचल श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को ही गीता पढ़ना और सुनना चाहिए, और जिनकी इन सब में अविचल श्रद्धा है, जो गीता पढ़ते पढ़ाते हैं, उनको कभी भी ऐसे पंथों और ऐसे मजहबों से जो एक ही जीवन में विश्वास रखते हैं, जैसे नास्तिक कम्युनिस्ट हैं अथवा जैसे इस्लाम और ईसाइयत है, इनसे अध्यात्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए, सांसारिक विषयों में चाहे जितनी चर्चा करें। तो धर्म संबंधी विषय में जो भी हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों से वाद विवाद करते हैं, वो अपना जन्म बिगाड़ते हैं और अपनी प्रज्ञा परंपरा का अपमान करते हैं। आप उनसे लौकिक विषय में बात कीजिए, और गीता पर भी केवल उसी से बात हो सकती है जिसकी पुनर्जन्म में, कर्म फल में, आत्मा और परमात्मा में अविचल श्रद्धा हो। इसी अर्थ में कहा गया है कि उसी का अधिकार है गीता पढ़ने और सुनने का जिसकी पुनर्जन्म में श्रद्धा है, यानी उसकी एलिजिबिलिटी है, अधिकार का अर्थ है पात्रता, योग्यता। वो उसमें बढ़ेगा नहीं, चट्टान में आप सिर मार रहे हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है, आप मारते रहिए, लहूलुहान हो जाएंगे, गीता आपके समझ में ही नहीं आएगी अगर आप पुनर्जन्म में, कर्म फल में, आत्मा और परमात्मा में अटल श्रद्धा नहीं रखते। यही आज के कथन का प्रयोजन है, शेष बातें अगली बार। नमस्कार। जी गुरु जी, आपने बहुत स्पष्टता के साथ में अपनी सारी बातें रखी हैं, और शासन के बारे में भी जो आपने एक पंक्ति बीच में कही है कि अगर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किसी को नहीं है, उनका ज्ञान किसी को नहीं है, तो वो शासन का अधिकारी भी नहीं है। और इस तरीके से अगर देखते हैं तो आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो पदच्युत किए जा सकते हैं, और वाकई में भारत उन्हें समझ में नहीं आ सकता जब तक वो भारत के ज्ञान को, भारत के शास्त्रों को नहीं समझते हैं, और उसी परंपरा में निरंतर रूप से कहते हुए जो अपने अंत तक भी जो बातें कही हैं, अगर सुस्पष्टता के साथ में उन्हें कोई समझता है, सब गीता ज्ञान उसे बहुत समझ में आएगा। ये और बात है कि आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर ऐसे हमारे सनातनी और हिंदू भाई लोग ही जो ये कहते हैं, और किसी ये भी कहते हैं कि हम ना कम्युनिस्ट हैं और ना किसी और विचारधारा से संपर्क रखते हैं, लेकिन हम एक ही जीवन में विश्वास करते हैं और हमें नहीं पता क्योंकि हमने देखा नहीं, तो उन लोगों को वापस से अपनी मूल विचारधारा में लाने के लिए क्या करना, ये अवश्य एक प्रश्न हो सकता है। अगर आप साथ में इस प्रश्न का को भी ले पाए आज ही के कार्यक्रम में। एक मिनट, इसका उत्तर तो अभी तत्काल एक दे देते हैं कि फिर किसी ने पृथ्वी भी नहीं देखी है, संपूर्ण पृथ्वी घूमकर किसी ने नहीं देखा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पृथ्वी घूम के देखी है ना, तो फिर पृथ्वी का भी अस्तित्व नहीं है। और 90% लोगों ने देश भी नहीं देखा है, संचार माध्यम से सुना है, कहीं कोई सैटेलाइट से दिखा देगा, नक्शा दिखा देगा, भारत किसने देखा है, संपूर्ण भारत, तो कह दो कि भारत भी अस्तित्व में नहीं है, बहुत कम लोगों ने भारत देखा होगा, और पृथ्वी तो प्रायः शायद ही किसी ने देखी हो कि संपूर्ण पृथ्वी स्वयं आंख से घूम के देखे। तो अगर आंखों देखी पर ही विश्वास करना है तो फिर पृथ्वी भी नहीं है, भारत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहा ही तो जाता है। तो इसलिए अंत में किसी न किसी शास्त्र को ही सब प्रमाण मानते हैं, कोई आधुनिक किसी पुस्तक को शास्त्र मान के उसको प्रमाण मानता है, नक्शा दिखाया जाता है आप उसके प्रमाण मान लेते हैं, आपने स्वयं तो नक्शा नहीं बनाया है, आपको क्या पता कि वो नक्शा सही है या गलत है ना।
तो इसलिए ये जो तर्क हैं ये निराधार हैं और बहुत ही मंदबुद्धि के लक्षण हैं। शास्त्रों के बिना तो कोई गति ही नहीं है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह अपने शास्त्र को माने चाहे दूसरों के शास्त्र को माने। ये प्रश्न भी दूसरों के शास्त्र से निकले हैं, ये पादरियों के और दूसरे लोगों के प्रश्न हैं जो हिंदू निपटाते हैं, उनकी अपनी बुद्धि से ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है उससे पता चल जाता है कि ये ईसाइयत या इस्लाम या कम्युनिज्म से प्रभावित है, भले वो नाना नाना करे। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि ये समझ में आता है, क्योंकि ये नैरेटिव की लड़ाई भी इस तरीके से गुरुजी चल रही है और उन्होंने नैरेटिव लोगों के दिमागों में घुसा दिया कि ये चीज है। अब हम उसी तरीके से उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ध्यान आता है आपने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो लिखा कि जब तक आपने भारतीय शास्त्रों का बारम्बार अध्ययन नहीं किया, उन्हें बारम्बार उठा करके नहीं देखा, तब तक आप भारत के इतिहास में एक शब्द भी लिखने के योग्य नहीं रह जाते। तो ऐसे में भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें करें बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना महापुरुषों को पढ़े, बिना उनकी जीवनियां पढ़े, उनके व्यवहार को देखे, बिना उनके जीवन को देखे, तो आप किसी भी तरीके से इस मर्म को जानने वाले कभी हो नहीं सकते। तो सोचिएगा, देखिएगा, प्रमाण शास्त्र है, प्रमाण हमारे महापुरुषों का जीवन है, उनके सिद्धांत, उनका व्यवहार है। और अगर वो सब कुछ करना है तो जीवन को, सत्य को अनुभव करने के लिए एक बार कम से कम, और कुछ नहीं तो 40 दिन, जिस तरह से हनुमान चालीसा में कहते हैं चालीसा, तो 40 दिन तक ये सोच करके इसको, इस पर व्यवहार करके देखिए, शायद हो सकता है कि जीवन के सत्य का वो अनुभव निकल करके सामने आए। तो चलिए, आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। जो चर्चा हुई है वो तो बहुत ही सुखद है, बहुत सुंदर है, समझ में आनी चाहिए हमारे सभी दर्शकों को, ऐसा मेरा मानना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। गुरु जी आपको प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार, जय हो।